पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रविवार को जनपद के 39 सेंटरों पर आयोजित कराई गई सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर एक ओर जहां पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, परीक्षा से पूर्व प्रमुख सचिव शिक्षा ने जिलाधिकारी और कप्तान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता और धांधली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी जिले के 3 सेंटरों पर पुलिस ने 4 मुन्ना भाइयों को दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देते हुए धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला सॉल्वर भी शामिल है। एसपी सिटी अंकित मित्तल ने बताया कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को नकल विहीन कराए जाने को लेकर चलाए गए अभियान में मुरादाबाद के अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज, नागपनी स्वरूपा देवी इंटर कॉलेज और साई कन्या विद्या इंटर कॉलेज मझोला क्षेत्र एवं पारकर इंटर कॉलेज कोतवाली नगर क्षेत्र में अभियुक्त देवेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, श्रीमती रश्मि और नवीन कुमार को परीक्षा के दौरान अन्य अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र हल करते हुए गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी ने बताया कि चारों सॉल्वर अन्य परीक्षार्थियों की एवज में मोटी रकम लेकर रविवार को आयोजित हुई सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठकर प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। चारों मुन्ना भाइयों के पास से परीक्षा के संबंध में तैयार किए गए कूट रचित प्रवेश पत्र, परीक्षा सूची में फर्जी फोटो लगाकर आईडी और डिवाइस बरामद की गई है। एसपी सिटी ने बताया कि चारों आरोपियों को अलग अलग परीक्षा केंद्रों से थाना नागपनी, कोतवाली और मझूला पुलिस के अथक प्रयासों से गिरफ्तार किया गया है। को पता है कि सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा चल रही थी। इसमें सुबह से ही जनपद पुलिस द्वारा कड़ी नज़र रखी जा रही थी कि कोई भी परीक्षा में किसी प्रकार के गलत तरीकों का इस्तेमाल करके परीक्षा सफल ना हो पाए। इसी क्रम में आज अलग अलग जगह जब दबिश दी गई सूचना के आधार पर तो 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो कि अलग अलग मॉडल्स ऑफ्रेंडी से इस परीक्षा को पास करने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से एक महिला जो मझौला थाना क्षेत्र में पकड़ी गई है, वो मोबाइल के द्वारा अपने किसी साथी से बाहर फ़ोन पर वार्ता करके अपने सवालों को हल करा रही थी। इसी तरह जो दूसरा व्यक्ति जो कोतवाली थाना क्षेत्र पारकर कॉलेज से पकड़ा गया है, उसके पास से भी एक डिवाइस बरामद हुआ है जो कि यद्यपि मोबाइल के प्रकार का नहीं है, बट वो उससे बात कर पा रहा था बाहर, और जो भी बाहर व्यक्ति उसका सहायक बैठा था वो पूरे परीक्षा में जो प्रश्न थे उसका परिणाम उन्हें बाहर से अंदर बता रहा था। इसके अलावा जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, एक नागफनी थाना क्षेत्र और मझोला थाना क्षेत्र से, वो इम्पर्सनेशन के तहत किसी और व्यक्ति के नाम पर स्वयं बैठकर फर्जी अपना प्रमाण पत्र, पहचान पत्र बनाकर वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे थे। किसी और व्यक्ति के नाम पर पैसे लेकर इस परीक्षा को उसके लिए पास करने का काम कर रहे थे। इसी तरह 4 लोग पकड़े गए हैं, इनसे गहन पूछताछ की गई है। कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं। अलग अलग जगहों पर 3 टीमें हमारी क्राइम ब्रांच के समेत दबिश के लिए चली गई हैं और जल्दी कुछ और लोग हम गिरफ्तार करेंगे। देखिए, टीमें गई हुई हैं, जैसे जो भी गिरफ्तारी होंगी आपको बताया जाएगा। देखिए, 2 व्यक्ति जो हैं वो पैसे लेकर किसी और के नाम पर परीक्षा दे रहे थे। एक व्यक्ति ने बताया कि वो 2.5 लाख रुपए में जो है किसी और के नाम पर एग्जाम दे रहा था, और दूसरा जो है वो 5 लाख। अभी तक इस तरह की कोई बात इनके द्वारा नहीं बताई गई है, पहली बार इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर, फर्जी पहचान पत्र बनाकर जो प्रवेश किया, वो साथ ही जिस डिवाइस से जो 2 अभियुक्त नकल कर रहे थे, वो डिवाइस भी बरामद कर लिए गए।